हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस इन दी टेरस। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखना चाहें उसके 72 आवर्स तक ये रीडिंग वैलिड रह सकती है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं, फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या महसूस करते हैं अगले 72 आवर्स में, वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की, स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो अभी काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, हार्ट रूपी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। हो सकता है कि उनको हार्ट से रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी हुई है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्यार में धोखा मिला है। वो महसूस कर रहे हैं कि वो अकेला पड़ गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनके पर्सन ने उनका दिल तोड़ा है। कुछ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इसमें रही है, यानी कि उनका ऑलरेडी किसी के साथ कोई कनेक्शन या रिश्ता हो सकता है और वो इधर भी रिश्ते के लिए आए हुए हैं, तो शायद इस वजह से इस चीज़ को लेकर भी वो परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और इसलिए उन्होंने अभी वो ड्यूअल पर्सनैलिटी में है, यानी कि जिगजैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए अभी फ़िलहाल वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा लगाए करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो हर्ट रूपी दिक्कत उन्हें आई है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, और चाहकर भी वो किसी की मदद और हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, इतना बहुत दुखी और परेशान है। तो उन्हें लगता है कि वो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, यूनिवर्स की शरण में जाएंगे, ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, अकेलापन ख़त्म हो जाए, और तभी वो सोचेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में जाना है या कहीं दूसरी तरफ बढ़ना है, क्योंकि अभी वो हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं। उधर से वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है, उसको ख़त्म करने के लिए वो यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपको लेकर काफ़ी टेंशन में है कि आपकी वजह से ही वो इस प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि आप उनकी वजह से दुखी हों। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या हैं, यानी कि स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो स्कॉर्पियो, आपको आप अपने पार्टनर से बातें करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो उनके साथ मिलकर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, या उनके साथ कुछ मतलब ऐसा समय देंगे कि वो एक दूसरे से बातें कर सके, ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो जाए। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए अपने, और वो ये भी चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, बच्चे की तरह जैसे इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ करेंगे, यानी कि सेलिब्रेशन करेंगे, छोटी मोटी पार्टी करेंगे, तो
तो और अपने जो वो बहुत जल्दी एंगर में हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपने गुस्से को एंगर में, एंगर को गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, ताकि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उनमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, और वो ना तो उनसे बहुत ज़्यादा ही बातें करेंगे और ना ही बिल्कुल ही बातें करना बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत हो सकता है। वो अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगेगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो लगता है कि वो काफ़ी ईगो में है, ईगोस्टिक इंसान है। तो इसलिए हर जगह बैलेंस बनाकर चलना ज़रूरी है, और जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो अपने तक सीमित रखें, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे रिश्ते में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप पुरानी पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, यानी कि उनके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो पुराना, जो पास्ट में चला गया, जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम थे वो ख़त्म हो, और नए सिरे से अगर मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, गिव अप करेंगे, और एक दूसरे को गले से लगाएंगे, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, यानी कि रिलेशनशिप फिर से बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो जो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के साथ खुशियाँ बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और हो सकता है स्कॉर्पियो, या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत जल्दी इस रिश्ते से, बच्चे भी चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप बढ़ेगा, फिर से रीयूनियन होगा, रिश्ता खुशियां आएंगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आप देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। तो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि अगर एक दूसरे से खुलकर बातें होंगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, या तो आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे, या तो वो आपके पास आएंगे, तो गिले शिकवे, परेशानी, दिक्कत दूर होगी। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, हो सकता है कि आपके पास और रिश्ते आ रहे हों, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। एक दूसरे को माफ़ करेंगे, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो जो भी गिले शिकवे होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और फिर से इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्यायप्रिय रिश्ता होगा। और वो चाहते हैं कि वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें ये कमिटमेंट वगैरह अगर इस रिश्ते में दी जाती है, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए वो उनके पार्टनर रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, तो फिर से रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो यही इसमें, इस रिश्ते को, इस एक फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए और न्यायप्रिय इस रिश्ते को बनाने के लिए वो सोच विचार करके इसमें एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, उसकी गाइडेंस क्या होगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस मिल रही है। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, काफ़ी गहरे वाला प्यार है, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, और आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से गिर चुके हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो वो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए,
डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, आपस में क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुल कर बातें कीजिए, और अगर या तो उनको आपकी तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेना चाहिए लेकर जाना चाहिए, या तो फिर आपको गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए जो जो आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने की, आपको इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए इस रिश्ते में कितना गहरा प्यार है, कितना प्रेम है, समय रहते अगर आप डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता जो है गोल्डन स्टार हो सकता है, यानी कि खुशियाँ आ सकती हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स ही आपके साथ है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है। तो इसमें कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ सारी कन्फ्यूज़न दिक्कतें दूर होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और रिश्ता फिर से रीयूनियन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।